Hello students, in today's class we are going to learn 6 student English lesson number 1.3 that is autobiography of a great Indian bustard. Students, इसमें हम देखने वाले हैं इसका question answer. Lesson मैंने already explain किया हुआ, explanation वाला video आप जरूर देख लेना. So let's begin. Channel subscribe जरूर कर लेना, video like कर देना. Okay, so let's start. Slimmer means thinner in an attractive way. Slimmer मतलब slim होना और बहुत ही अच्छा दिखना. Impressive मतलब arousing admiration, मतलब impress, जिससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, लाइक उसकी तारीफ, ऐसा कि तारीफ निकले. Berries मतलब small fruits that grow on bushes, जो झाड़ियों पे berries आते हैं. Beetle ये एक insect होता है, often large and black with a hard case on its back and wings above. जो होते हैं beetles, छोटे छोटे होते हैं, लाइक ब्लैक कलर होते हैं, उसके विंग्स भी होते हैं, उड़ते रहते हैं. गल्पिंग मीन्स स्वैलोइंग क्विकली, ऐसे गटक जाना तेजी से. पाउच मीन्स अ सॉर्ट ऑफ बैग, एक बैग की तरह, पॉकेट लाइक स्पेस, ऐसा पाउच की तरह, ठीक है. अ रेजोनेटिंग साउंड मीन्स अ लाउड डीप एंड क्लियर साउंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक इसे जोर जोर से आवाज़ आती रहती है, क्लियर. पफ्ड आउट मीन्स मेड बिगर एंड राउंडर, ऐसे पफ कैसे गोल बनाना, बड़ा सा. कॉक्ड अप मीन्स रेज्ड. प्रेडेटर्स मीन्स एनिमल्स दैट हंट, किल एंड ईट अदर एनिमल्स और देयर एग्स. प्रेडेटर्स कौन होते हैं, जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं या फिर उनके अंडों को खा जाते हैं. स्वर्मिंग मीन्स वेरी फुल ऑफ समथिंग. अपील मीन्स रिक्वेस्ट, ओके. स्वामिंग का मतलब किसी चीज़ से पूरा फुल भरा हुआ. विच इज़ द हैवीएस्ट डैश डैश माई सोल मेट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अपियरेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का लाइक अपियरेंस कैसे दिखते हैं, वो डिस्क्राइब करना है. तो ये तो आपको पता ही है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उनका वजन 18 किलोज तक हो सकता है, उसके ऊपर तक हो सकता है. और वो जब स्टैंड होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो 4-4 फीट के होते हैं, उनकी हाइट उनकी होती है. लंबी उनकी वाइट नेक होती है. उनके जो विंग्स होते हैं वो ब्राउन होते हैं. टॉल येलो लेग्स होते हैं और ब्लैक कैप की तरह उनके हेड पे होता है. और जो मेल होते हैं, जो मेल बस्टर्ड होते हैं, वो उनके पास एक वेल डेवलप्ड पाउच होता है जो अटैच होता है उनके नेक के नीचे. फीमेल जो होती हैं वो थोड़ी स्मॉलर होती हैं, स्लिम होती हैं मेल की कंपैरिजन में, और उनके नेक जो होते हैं वो वाइट नहीं होते. डिस्क्राइब द डांस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, किस तरीके से वो डांस करते हैं उसे डिस्क्राइब करना है. सो वो बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं. इट फर्स्ट गल्फ्स एयर इन इट्स पाउच एंड प्रोड्यूसेस अ रेजोनेटिंग साउंड. और डांस करते टाइम बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालते. रेजोनेटिंग क्या होता है, हमने देखा था अभी. एंड इट देन डांसेस विथ पफ्ड आउट फेदर्स, अपने फेदर को किस तरीके से पफ फुला लेते हैं पूरा. कॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और विंग्स को ड्रॉप डाउन कर देते हैं. पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट कॉलम, तो यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, जो करेक्ट है उसमें टिक मार्क किया हुआ है, ओके. अच्छा मैं आपको ये समझा देती हूँ क्या है स्टेटमेंट, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है. और यहाँ पे है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, और यहाँ पे है सम अदर वर्ड के बारे में. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है वो यहाँ टिक मार्क करना है, जो दूसरे वर्ड के बारे में बोला गया है उसको इस कॉलम में करना है. तो जैसे पहला लाइन क्या कहता है, आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. तो ये कौन है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो यहाँ पे किया. आई एम नोन एज मलधोक और होम इन मराठी, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये सही है. आई लिव इन माउंटेनियस रीजन, तो ये माउंटेनियस रीजन में तो नहीं रहता है, तो ग्रासलैंड में रहता है. ये इसका मतलब ये है कि ये दूसरे वर्ड के बारे में बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया. आई डोंट लाइक ग्रास ऊपर और बीटर्स लेंग, ये तो रॉन्ग हुआ, ये तो फिर दूसरे वर्ड्स के बारे में हो गया, तो ये इसमें टिक हो गया, क्योंकि हमने देखा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ये तो फेवरेट फूड थे, ओके. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉर्म्स द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो, तो 4 नाउन 4 वर्ब्स 4 एडजेक्टिव, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, इसमें 4-4 है, तो ये सब है यहाँ पे. अब इसमें से कौन सा किस में आएगा, जैसे बर्ड किस में आ गया, बर्ड आ गया नाउन में, ओके. और फ्रेंड्स किस में आ गया, फ्रेंड्स भी आ गया नाउन में. ग्रासलैंड ये भी आ गया नाउन में. और बीटल्स ये भी नाम है किसी इंसेक्ट का, तो ये भी नाउन में आ गया. अब वर्ब्स देखते हैं, वर्ब्स में क्या क्या, गैदर मतलब इकट्ठा करना, मतलब इकट्ठे करना, ठीक है, एक साथ मिलाना,
तो ये यहाँ पे है तो इसमें ले लिया। हेल्प, किसी की हेल्प करना, तो ये भी वर्ब है। ईट, खाना, तो ये भी क्या है, मतलब ये एक्शन वर्ड है ना सारे, तो ये भी आ गया वर्ब में। लीव मतलब रहना, तो ये भी क्या है, ये भी एक्शन वर्ड है, मतलब कि ये लाइक पोजेशन बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन के बारे में बताया, तो लाइक वंडरफुल, तो ये वंडरफुल इसमें आ गया। हेल्दी, हेल्दी इसमें आ गया। ओके, सब इसमें आ गए। सो एडजेक्टिव में क्या क्या आ गया यहाँ पे, जो बाकी की रिमेनिंग है, वंडरफुल, हेल्दी, स्मॉल, फेवरेट, ये सब आ गया किसमें, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है, उसकी विशेषता, उसकी स्पेशलिटीज, उसके बारे में कुछ खास क्या है वो बताता है। नाउ हियर गिवन नेक्स्ट पैराग्राफ, यू नो दैट डैश डैश सी अस इन पिक्चर्स। सो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वॉट इज़ द स्पेशल ट्रिक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो द एग ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुक्स लाइक अ स्टोन, उनका जो एग है वो कैसा दिखता है, स्टोन की तरह। दिस फूल्स प्रेडेटर्स एंड प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम एनिमीज, दिस इज द स्पेशल ट्रिक। ये स्पेशल ट्रिक होता है ताकि उनको लगे कि ये स्टोन है और वो बचा रहेगा प्रेडेटर से। नेम द एनिमीज ऑफ द एग एंड चिक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो द एनिमीज ऑफ द एग एंड चिक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स। ये सारे प्रेडेटर्स हैं जो उनके एग, उनके चिक के लिए एनिमीज हैं, खा जाते हैं ये लोग। पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट कॉलम, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है और सम अदर बर्ड के बारे में है। आई डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, तो ये किसके बारे में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। आर चिक स्टेज विद द मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली वन ईयर, तो ये भी सही है, तो बस्टर्ड के बारे में ही है। आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र, तो ये इसके बारे में तो नहीं है, ये किसके बारे में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस स्टेट का मतलब किस स्टेट का है स्टेट बर्ड, वो आपको बताना है। और ये सम अदर बर्ड के बारे में बोला गया है। वी हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन, सो ये बस्टर्ड के बारे में ही है, तो ये यहाँ पे टिक मार्क किया। Identify the following from the list given in the box below. So यहाँ पे वही है, noun, adjective, verb, adverb, pronoun, सबको यहाँ पे लिखना है। तो ये देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पे, चार चार है ना, तो ये पूरा यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये वाला पार्ट, ओके, तो यहाँ पे भी लिखा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, लाइक दो यहाँ पे एडवर्ब और प्रोनाउन। तो एडवर्ब क्या है, जो वर्ब को स्पेसिफाई करता है, ठीक है, जो वर्ब को बताता है, ठीक है, मतलब उसके बारे में कुछ बताता है, वो होता है एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, वो नाउन के बारे में बताता है कुछ। प्रोनाउन क्या है, जैसे हम किसी के नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, वी, यू, अस, जैसे मैंने नाम नहीं लिया आपका, मैंने बोला यू। अगर जैसे हम बहुत सारे, हमने अपना नाम नहीं लिया, हम बोलते हैं वी, तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये सब ग्रामर में आपको पढ़ाया गया होगा। सो इसी में से देख देख के आपको कौन सा किस लिस्ट में आएगा वो आपको बताना है। ओके, सो हम आगे देखते हैं अभी। लाउड रीडिंग, ये पैसेज को अलाउड मतलब पढ़ना है अच्छे से पूरा आपको स्टोरी। रोल प्ले यहाँ पे दिया गया है, प्ले द रोल्स ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रेजेंट ही इंटरव्यू इन द क्लासरूम। तो इंटरव्यूअर, हेलो देयर, कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द स्टेट ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, हाउ डू फील अबाउट इट। तो यहाँ पे फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आई फील रियली ऑनर्ड एंड थ्रिल्ड टू बी द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। सो इंटरव्यूअर बोलेगा, हाउ डिड यू फील व्हेन यू डिड नॉट बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलेगा, तो यहाँ पे देखिए, द इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड इन दिस मैनर यूजिंग द क्वेश्चन गिवन इन द एक्टिविटी सेक्शन। इस तरीके से यहाँ पे वो और भी आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, और भी क्वेश्चन आंसर इस पे से आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून, प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन टू इंटरव्यू हिम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे दिए गए हैं क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो आप उनसे, तो ये क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, आंसर है ये। तो कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना आप, इससे रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, लेटर लिखना है आपको अपने आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बर्ड, व्हाट यू प्लान टू डू टू हेल्प द बर्ड। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको
ये लिखना है। अभी के नए फॉर्मेट में ये जो इधर है वो भी इधर ही रहता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया गया है वो भी इधर ही रहता है, और इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिखा गया है लेटर, आप देख सकते हो। ओके, तो अभी के लेटर में सब एक साइड ही रहता है ये। विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट एंड अदर सोर्स ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्च क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स एनिमल्स इन इंडिया, फाइंड द नेम्स ऑफ देयर सेंचुरीज। सो सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इंडिया लाइक फॉरेस्ट ओलेट, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन, ड्योलाई मिनो, ओके, एशियाटिक चीता, हिमालयन वुल्फ, अम्बोली टोड, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, खतरे में है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनका जो पॉपुलेशन है कम होता जा रहा है, गिरता होता जा रहा है। ओके, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द नीड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस, आई एम अ टाइगर। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि वो अपने बारे में ही बता रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा, आई एम अ टाइगर, आप किसी और के बारे में लिख सकते हो, आई एम चीता, आई एम अ लायन, ठीक है, मतलब कि वो लायन, वो टाइगर, वो चीता अपने बारे में ही बता रहा है। तो फिर उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग ही लिखना रहेगा। यहाँ पे टाइगर के बारे में लिखा गया है, आप देख सकते हो, ईजी है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप देखो ईजी दिया हुआ है। आई एम अ टाइगर, आई वॉज बोर्न इन द सुंदरबंस 8 years अगो। सुंदरबन आपको पता है कहाँ पे है, बंगाल में आई थिंक। आई हैड वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, माय पेरेंट्स स्पेशली माय मदर लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेरी वेल। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख लेना और वीडियो पूरा देखना, डाउनलोड मत करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका हेल्प मिलेगा, ओके, जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प करती हूँ जब भी आपको कोई वीडियो चाहिए होता है, तो इस तरीके से आपका भी यहाँ पे हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपका। सो वीडियो पूरा देखना, और ये जो है आई एम अ टाइगर, इसका यह रिमेनिंग पार्ट इस पेज में है, यहाँ देखिए, ये वाला पूरा उसी का पार्ट है, पूरा इस तरीके से है। मेक अ लिस्ट ऑफ द चैनल अवेलेबल ऑन योर टीवी अंडरलाइन, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया, विच आर द चैनल्स ऑन विच यू कैन वॉच प्रोग्राम्स ऑन एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एट्सेट्रा। तो ये देखिए, ये जो नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, एनिमल प्लानट, ये एनिमल प्लानट पे और ये नेशनल ज्योग्राफी पे, इस पे तो पूरे टाइम एनिमल्स के बारे में ही आता है। तो मुझे भी तो बहुत पसंद है ये तीनों चैनल, स्पेशली ये तीनों चैनल, और ये भी पसंद है, इसमें भी बताता है, बट इसमें और इसमें तो ऑल टाइम हम देखते हैं वो एनिमल के बारे में ही बताता है। आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू टी वी प्रोग्राम्स ऑन द अबव चैनल, ये जो है चैनल, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू हैव वन अ प्राइज टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, चूज अ लोकेशन, रीड अबाउट इट, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग इट एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट इट। पॉइंट्स दिए गए हैं, इस तरीके से आप इस पॉइंट की हेल्प से आप लिख सकते हो आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो अभी आई